4.1 का सेकंड क्वेश्चन और इसके फोर पार्ट हैं। क्वेश्चन क्या, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नीचे कुछ सिचुएशन दे रखी है, आपने इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट पार्ट में क्या है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका एरिया क्या दे रखा, 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट जो कि मीटर में है इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। लेंथ ब्रेड्थ के ट्वाइस से वन मोर है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। हमें प्लॉट की लेंथ और ब्रेड्थ को फाइंड आउट करना है। तो लेंथ जो किसकी फॉर्म में दे रखी है, ब्रेड्थ के हिसाब से दे रखी है। तो पहले हम किसको एज्यूम कर लेते हैं, ब्रेड्थ को एज्यूम कर लेते हैं। लेट द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट, सॉल्यूशन इसका, लेट द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट वो कितना मान लिया हमने, x मीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ द प्लॉट, देयरफॉर लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ क्या बताई थी, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ब्रेड्थ के ट्वाइस से वन मोर है, ब्रेड्थ का ट्वाइस कर दिया, उससे क्या कर दिया, वन मोर कर दिया बस। और क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है। यहाँ से अगर एरिया निकालेंगे, ये एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि एक्स इंटू टू एक्स प्लस वन, ये दे रखा है। और वैसे एरिया इसने क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, ये जो एरिया है यानी कि x इंटू टू एक्स प्लस वन, एरिया कितना दे रखा था इसका, 528 दे रखा था, इसके इक्वल हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे अंदर क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर 1 के साथ करेंगे प्लस x, इसको इस साइड में लाएंगे माइनस 528 इज इक्वल टू जीरो। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, बस इतना ही करना है इसको। सेकेंड पार्ट देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसिक्यूटिव इंटीजर, दो कंसेक्यूटिव यानी कि एक के बाद एक यानी कि लगातार, इज 306। यानी दो कंसेक्यूटिव इंटीजर की जो प्रोडक्ट हो 306 के हैं। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, हमें इंटीजर्स को फाइंड आउट करना है। लेट द फर्स्ट इंटीजर, लेट द फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू एक्स, सेकेंड इंटीजर, सेकेंड कंसिक्यूटिव है तो इससे अगला हो जाएगा यानी कि एक्स प्लस वन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कहता है कि इन कंसिक्यूटिव इंटीजर की प्रोडक्ट कर दी हमने, एक्स ये एक ये है दूसरा ये, इन दोनों की प्रोडक्ट कर दी, एक्स इंटू एक्स प्लस वन किसके बराबर है, 306 के बराबर है। मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे माइनस 306 इज इक्वल टू जीरो, इतना ही करना, कंप्लीट है। थर्ड पार्ट देखिए, रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। यानी कि रोहन की मदर की एज रोहन के हिसाब से बता रखी है कि रोहन से कितनी है, 26 ईयर ओल्डर है वो, ठीक है रोहन की मदर। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज, उनकी दोनों की प्रोडक्ट एज की, 3 years फ्रॉम नाउ यानी अब से 3 साल के बाद, विल बी 360, कितनी हो जाएगी, 360 हो जाएगी। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, हमें रोहन की प्रेजेंट एज का पता करना है। देखिए लेट रोहन्स एज, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स ईयर्स, मदर्स एज मदर एज क्या बता रखी है, रोहन की एज से 26 मोर, ये हो गया आपकी 26 ईयर्स आफ्टर 3 years। अब बात कब की हो रही है, देर एज इज द प्रोडक्ट ऑफ देर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल के बाद यानी कि आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years
रोहन्स एज, रोहन की अगर प्रेजेंट एक्स है तो थ्री इयर्स के बाद क्या हो जाएगी, एक्स प्लस थ्री इयर्स हो जाएगी। मदर्स एज, मदर्स एज प्रेजेंट एज क्या है मदर की, एक्स प्लस थ्री, उसमें थ्री और ऐड कर दीजिए यानी क्या बन जाएगी, एक्स प्लस ट्वेंटी नाइन ईयर्स, एक्स प्लस ट्वेंटी नाइन ईयर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि थ्री इयर्स फ्रॉम नाउ उनकी एज के प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 360, यानी अब से तीन साल के बाद रोहन की एज क्या है, एक्स प्लस थ्री, मदर एज क्या है, एक्स प्लस ट्वेंटी नाइन, दोनों का क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया, इज इक्वल टू किसके, 360 के, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए इनको, क्या बनेगा आपका ये, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी नाइन एक्स, फिर थ्री से करेंगे तो थ्री एक्स, और थ्री और ट्वेंटी नाइन की मल्टीप्लाई करेंगे, 29 थी 87 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 360 एक्स स्क्वायर, ट्वेंटी नाइन एंड थ्री क्या हो जाएगा आपका 32x, और प्लस 87 एंड माइनस 360 एक्स स्क्वायर प्लस 32x और माइनस 360 एंड प्लस 87, इसको माइनस करेंगे तो ये बनेगा आपका माइनस 273 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आपका हो गया थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट देखिए, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, किसी यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेन 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दें, कम कर दें, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, अगर स्पीड को लेस कर दें तो टाइम ज़्यादा लगेगा ही, तो 3 आवर मोर लगते हैं उसके अंदर टू कवर द सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस के लिए वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें ट्रेन की स्पीड का पता करना है। तो लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू, उसको हमने एज्यूम कर लिया एक्स किलोमीटर पर आवर, और स्पीड आफ्टर डिक्रीजिंग, स्पीड आफ्टर डिक्रीज या स्पीड आफ्टर डिक्रीजिंग 8 किलोमीटर पर आवर से अगर उसको डिक्रीज कर दें तो क्या बन जाएगी, एक्स माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस जो दे रखा है क्या है, वो टोटल डिस्टेंस आपका 480 किलोमीटर। अब टाइम निकाल लेते दोनों, टाइम विद यूनिफॉर्म स्पीड, अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस क्या आपकी 480 और स्पीड क्या यूनिफॉर्म वो आपकी है एक्स, इतने आवर हो जाएगा आपका, फिर टाइम विद डिक्रीज्ड स्पीड, जब स्पीड को डिक्रीज कर दिया, फॉर्मूला तो वही रहेगा डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड क्या आपकी एक्स माइनस 8, ये आवर्स हो जाएंगे। अब दोनों टाइम आ गए, ये टाइम कौन सा है यूनिफॉर्म स्पीड से, और ये टाइम क्या आपका जब स्पीड को कम कर दिया है, तो ज़्यादा टाइम कौन सा, ये है, ये टाइम 3 आवर मोर है इससे, तो यानी कि इसमें से अगर इसको माइनस करूँगा इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 3 किलोमीटर होगा। भाई जब स्पीड को हमने लेस कर रखा है, स्पीड को लेस कर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्पीड को लेस कर दिया तो टाइम लगा 480 बाय एक्स माइनस 8, इतने आवर लगे, और ये टाइम क्या था यूनिफॉर्म स्पीड से, अब ये वाला टाइम क्या ज़्यादा है उससे, तो 480 बाय एक्स, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को समझ लेना बस, क्योंकि ये टाइम ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि यहाँ स्पीड को कम कर रखा है और ये यूनिफॉर्म स्पीड थी, दोनों टाइम का डिफरेंस क्या 3 आवर का है। इन दोनों का एलसीएम लीजिए, लेफ्ट साइड में क्या बनेगा, एक्स इंटू एक्स माइनस 8, एक्स माइनस 8 कट जाएगा, बचेगा क्या
480x माइनस, यहाँ x कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा 480 इंटू एक्स माइनस एट इज इक्वल टू 3/1 कर लेते हैं इसको समझने के लिए। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये क्या आपका 480x माइनस, वो भी क्या हो जाएगा 480x, और फिर माइनस 480 और 80 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद बनेगा 3640, ठीक है, और ऐसे मल्टीप्लाई भी कर दिया साथ में इनको, इज इक्वल टू क्या बनेगा 3 इंटू एक्स 3x, दोबारा लिख देता हूँ, 3 को किसके साथ करूँगा 3x इंटू एक्स माइनस एट, ये यहाँ क्या हो जाएगा आपका 480 से 480 कैंसिल हो गए, क्या बचा आपका ये 3640 इज इक्वल टू, उस ब्रैकेट को अगर हम खोलेंगे तो क्या बन जाएगा आपका ये 3x स्क्वायर माइनस 8 3 24x, और इस 3640 को 3640 को अगर राइट साइड में लेके जाएं इधर रह जाएगा आपका जीरो, उधर क्या हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 24x, और वो राइट साइड में जाएगा आपका क्या हो जाएगा माइनस 3640, और इसको और लिखना चाहें इसको इस साइड में लिख दें, इसको इस साइड में लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3640 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आपकी क्या समझ आएगी इसकी फोर्थ पार्ट की। तो इस ढंग से आपका सेकंड क्वेश्चन और एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।